अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अभिषेक गैस चूल्हा रिपेयरिंग होम सर्विस सिवान में पहली बार फोन करके घर पर गैस चूल्हा रिपेयर करवाएं एवं साथ ही 60 दिन का वारंटी पाएं। एक बार सेवा का मौका। राजधानी पटना में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला पाटलिपुत्र इलाके का है, जहां नाबालिग के बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रेप की वारदात को अंजाम दिया है। मामला पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंद्रपुरी रोड के श्रीनगर के होटल ग्रीन लैंड की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बदहवास हालात में गैंगरेप की शिकार युवती ने पाटलिपुत्र थाना को खुद के साथ हुए गैंगरेप के बाबत बताते हुए मदद की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। वहीं रेप की शिकार युवती के मेडिकल जांच में उसके नाबालिग होने की पुष्टि होते ही दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उनको दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार दरअसल यह पूरा मामला सोशल मीडिया के जरिए हुए फ्रेंडशिप से शुरू हुआ और दोस्ती की आड़ में नाबालिग लड़की को धोखे से होटल में बुलाकर उसके दो दोस्तों ने गैंगरेप किया। वहीं इस पूरे मामले पर कोतवाली ASP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 6 जुलाई को घटना है। नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो कि पटना से आ रही है, जहां पर एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। उसके बाद से ASP ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पटना से कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। 6 जुलाई के शाम की घटना ये, एक पीड़ित लड़की थाने पे आई और उसने बताया कि ऐसा ऐसा उसके साथ हो रखा है। तो तत्काल पुलिस ने जिन अभियुक्तों का नाम लिया गया था उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने लगातार छापेमारी की और दोनों लोग ही देर रात तक गिरफ्तार हो गए थे, जिनको फिर आगे कोर्ट में फॉरवर्ड किया गया है। होटल करने क्या किस तरह का घोषणा, इन्होंने OYO के थ्रू एक रूम बुक कराया था। आजकल ऑप्शन रहता है कि लोग कपल्स भी OYO के थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना रूम बुक करा लेते हैं। एक होटल है पाटलिपुत्रा थाने एरिया में, इन्होंने एक रूम बुक कराया था तो उनसे ही पूछताछ हो रही है। अब 164 का बयान हम लोग कराएंगे कोर्ट में और उस बयान में वो क्या बोलती हैं, और बयान भी बिकॉज इसमें पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी के सामने ही किया जाता है, और कोर्ट में जो बयान आता है उस बयान के बाद ही हम लोग निर्णय ले पाएंगे क्या था। तो मेडिकल जांच भी कराएंगे। बच्ची नाबालिग थी? हाँ, नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र उनका। बैकग्राउंड क्या है, दोनों आरोपी जो पकड़े गए हैं किस प्रकार से पूरा भला फुसला के भेजा गया, क्या हम लोग CCTV फुटेज की जांच भी कर रहे हैं, उसमें कुछ फुटेज आया भी है, उसको और जांच करेंगे कैसे ले गए थे और क्या क्या घटनाक्रम हुआ है। कॉल रिकॉर्ड्स भी हम लोग खंगाल रहे हैं, जो भी साक्ष्य आएगा, जो भी एविडेंस आएगा उसको हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। दोनों पकड़े गए दोस्त संभवतः दोनों एक दूसरे को जानते थे। जेल भेज जाएगा? आज फॉरवर्ड हो जाएंगे। पॉक्सो एक्ट लगा पाएंगे।